26 मई 2014 स्वतंत्र भारत में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी जो अपने दम पर एक गैर कांग्रेसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत दिलाकर लाया था। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता तो आए ही थे, विपक्ष के भी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी थी। सबसे खास बात थी भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी शासनाध्यक्षों का शामिल होना। नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहले कभी किसी ने पूरे हमारे नेबरहुड के पड़ोसी देशों के जो लीडर्स थे उनको नहीं बुलाया था, और आप जानते हैं वैसे भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक बड़ा रिस्क था, एक नई सोच थी और एक नया फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन था। सत्ताईस मई 2014 प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी केंद्र में कभी मंत्री तक नहीं रहे थे, लेकिन बड़े निर्णय लेने की उनकी सरकार की रफ्तार ने तुरंत जोर पकड़ लिया। कैबिनेट के पहली ही बैठक में काले धन पर कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। इस एक फैसले से बहुत सारे संदेश एक साथ गए, पहले कि ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विल स्टैंड बाय इट्स रिजॉल्व ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, दूसरा मोदी जी हैज़ दी कैपेसिटी टू वॉक दी टॉक, जो वो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने कहा था उन्होंने करके दिखाया। 15 अगस्त 2014 लाल किले पर नरेंद्र मोदी पहली बार ध्वजारोहण कर रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने देश के विकास का ब्लूप्रिंट सामने रखा। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। स्वच्छता पर जोर दिया और इसके लिए जन भागीदारी की वकालत की। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेगी नहीं। पीएम मोदी की प्राथमिकता के केंद्र में रहे गांव के गरीब, किसान और मजदूर। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जनधन योजना बनाई गई। 28 अगस्त 2014 को यह योजना लॉन्च हुई। जीरो बैलेंस की सुविधा के साथ बैंक खाते खोले गए। ऐसे खातों की संख्या 43 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इनमें तमाम योजनाओं की रकम पहुंच रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण बिचौलिए सिस्टम से गायब हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इतने लार्ज स्केल में बैंक अकाउंट खुलना असाधारण एक काम था। जब शुरू में उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर 100 डिजिटल मेला करो, तो हम लोगों ने कहा कि यह असंभव है, पर उन्होंने करवाया और उससे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया जो कि डिजिटल पुश जिससे दे पाए। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छता अभियान को धरातल पर उतारने का काम गांधी जयंती के दिन शुरू हुआ। पीएम मोदी खुद वाराणसी पहुंचे, 80 घाट पर फावड़ा उठाकर सफाई की।
इस अभियान में क्या आम और क्या खास, सभी जुड़े। स्वच्छता अभियान को पीएम मोदी कितना महत्व देते हैं, इसका अंदाजा तब भी लगा जब वो प्रयाग में संगम के तट पर सफाई कर्मियों के पांव पखारते नजर आए। मोदी देश के सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोगों के पांव अपने हाथ में उठाकर बड़ा संदेश दे रहे थे। ये काम हमें करना है। मेरे देश के लाखों नौजवानों को खास करके आग्रह करता हूं, आइए मेरे साथ जुड़िए। महिलाओं को खाना पकाते समय धुएं की तकलीफ से निजात दिलाने की कोशिश थी मोदी की। उनकी आंखों में बचपन की वो तस्वीर तैर रही थी जब मां हीराबा अपने पति और बच्चों के लिए भोजन बनाते समय चूल्हे में फूंक मारते हुए हांफ जाती थीं, आंखों से आंसू निकल जाते थे। एक मई 2016 उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। गरीबी के बीच गांव में बिताए हुए शुरुआती वर्षों ने ही मोदी को शौचालय से लेकर गरीबों के लिए पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा ना हो जिसका अपना घर न हो। मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए इनमें से कुछ काम कर चुके थे। देश के पीएम के तौर पर इनको और बड़ा और असरदार बनाने में जुटे। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के दौर में उन्होंने जो कुछ भी कहीं पर किया उसको प्रधानमंत्री के रूप में आते आते साइज एंड स्केल देने का काम किया, उसको बड़ा करके दिया। नर्मदा वहां पर किया तो नमामि गंगे यहां पर किया, वहां कच्छ में घर बनाकर दिए तो यहां पूरे देश के लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। गरीबों, महिलाओं, किसानों की चिंता और इसके लिए जरूरी प्रावधान करते करते मोदी बड़े संस्थागत सुधारों की राह पर भी तेजी से आगे बढ़े। योजना आयोग की जगह नई जरूरतों के हिसाब से नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी है जो स्टेट्स में जाकर स्टेट्स के साथ काम करता है। ये कई यूनिक चीज़ें करता है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे देश के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह अटल इनोवेशन मिशन हम चलाते हैं जहां हमने करीब 10,000 टिंकरिंग लैब शुरू किए, इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए। पर मेन जो लक्ष्य है नीति आयोग का कि यह एक मिनिस्ट्री की तरह ना काम करे, ये एक आइडियाज़ का एक इंस्टीट्यूशन हो और बाकी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करे कि ये लोग देश को आगे ले जाए। शेल कंपनियों पर लगाम लगाई गई, आईबीसी कोड बनाया गया, बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े उद्यमियों पर कार्रवाई शुरू हुई। न खाता हूं न खाने दूंगा। नई टेक्नोलॉजी और आईटी के मोदी शुरू से हिमायती रहे हैं। अपनी सरकार के कामकाज को असरदार बनाने और आम जनता की सुविधा के लिए मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, इन चारों पांचों प्रमुख नियमों का पालन हुआ है। और साथ ही साथ मोदी जी की जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान के प्रति झुकाव है और हर नए रिफॉर्म में, नए सुधार में टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग करना, वो भी इसमें झलकता है। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ ये मिशन अगले कुछ वर्षों में उमंग, डिजी लॉकर, रुपे,
भीम, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के जरिए और विस्तार पाता गया। जिस देश में कभी नकदी के इस्तेमाल पर जोर रहता था, वहां कैशलेस ट्रांजैक्शन की रफ्तार तेज हुई। इरादा था सिस्टम को और पारदर्शी बनाना, काले धन को कम करना, जिसकी कोशिश मोदी पहले नोटबंदी के तहत कर चुके थे। यूपीए सरकार के समय शुरू हुई आधार योजना को मोदी ने पूरी ताकत के साथ अपना लिया, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देश के तमाम लोगों के आधार कार्ड बने, उन्हें बैंक खातों से जोड़ा गया ताकि योजनाओं का लाभ असली लोगों तक पहुंचे। पहले प्रॉब्लम यह था कि लोग अपने अकाउंट ही नहीं खोल पाते थे, क्योंकि उनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट ही नहीं होते थे। आधार ने इस प्रकार की आइडेंटिटी लोगों को प्रदान की। दूसरी बात यह हुई कि जिस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए सब्सिडी, अब उसी को मिल रहा है। गांव गरीब की चिंता करने वाले पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी खासा ध्यान दिया। नए IIM, नए IIT, नए एम्स देश के तमाम हिस्सों में खोले गए। साथ ही नौजवानों के हुनर निखारने के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। अटल इनोवेशन मिशन में हमने करीब 10,000 टिंकरिंग लैब शुरू किए स्कूल्स में। पांचवी क्लास के बच्चे जाकर 3D प्रिंटिंग, रोबोट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नई सोच उनके दिमाग में आ जाती है पांचवी क्लास के बाद। 7 नवंबर 2015, नरेंद्र मोदी ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा निभाया। सैनिकों की 40 वर्ष पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की। जो व्यक्ति बचपन में खुद सेना में भर्ती होकर राष्ट्र रक्षा का ख्वाब देखता था, वो राष्ट्र के रखवालों के साथ अपना वादा भला क्यों नहीं निभाता। मोदी ने पीएम बनने के साथ ही भारतीय सेना के सामने मुंबई खड़ी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। आधुनिकीकरण की सुस्त रफ्तार से लेकर लड़ाकू जहाजों और अत्याधुनिक पनडुब्बियों की कमी परेशान कर रही थी। हमने जितना मांगा था उससे कहीं अधिक बढ़कर के सरकार ने हमको लिमिट दिया कि काम करो। आज आप देखिए DRDO को दुनिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, वो किस तरह के अपने यहाँ हथियार से लेकर बाकी चीजों में चीजों को बनाने का काम कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। सेना के सामने खड़ी चुनौतियों का हल निकालने में लगे मोदी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हर साल दिवाली उनके साथ मनाते रहे। कभी पंजाब, कभी कश्मीर, कभी राजस्थान, तो कभी लद्दाख। साल दर साल वो जवानों के बीच जाते रहे। लेकिन जल्दी ही मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। दुश्मन खुद मोदी के हौसले की परीक्षा लेने वाला था। 18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 बजे थे। उरी की सैनिक छावनी में सोए हुए जवानों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए। पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा हुई, बदले की भावना मजबूत हुई। पीएम मोदी को भी जन भावनाओं का साफ अंदाजा था। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। सितंबर 2016 उरी पर हुए हमले का बदला ले लिया गया महज 15 दिनों के अंदर। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों के लॉन्च पैड नष्ट किए गए, आतंकवादियों को
मार गिराया गया। पीएम मोदी के हौसले और जोखिम लेने की क्षमता का यह बड़ा प्रदर्शन था। आखिर पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी जो हमेशा दिखाता रहा था। For far too long we were at the receiving end of this perverse Pakistan statecraft which deployed terror as a new infantry division of the Pakistani state. So I think in that sense the resizing has happened. एक जुलाई 2017, सैन्य मोर्चे पर जबरदस्त हौसला दिखाने वाले पीएम मोदी के लिए आर्थिक मोर्चे पर बड़ा हौसला दिखाने वाला दिन था ये। विपक्ष और व्यवसायियों के एक बड़े वर्ग के विरोध के बावजूद मोदी वन नेशन वन टैक्स की राह पर मजबूती से आगे बढ़े, अपने फैसले पर अडिग रहे। 30 जून और 1 जुलाई के बीच की रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लागू किया। देश की आजादी के बाद से टैक्सेशन के मामले में यह सबसे क्रांतिकारी कदम था। इंडिया नीडेड टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इटसेल्फ। यू नो बिफोर इंडिया वाज एबल टू ट्रेड विद द वर्ल्ड वी हैड टू बी एबल टू ट्रेड अक्रॉस फेडरल बाउंड्रीज एंड आई थिंक द जीएसटी इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम दैट अलाउज दैट टू हैपन। बड़े फैसले बड़े कदम मोदी लगातार उठाते रहे। संसद में बिल पास कराकर 19 सितंबर 2018 से देश में ट्रिपल तलाक के मामले में सजा के प्रावधान वाले कानून को लागू कर दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कानून काफी राहत लेकर आया। मुस्लिम महिलाएं काफी संक्रमित होती थी, उनको तलाक 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 ऐसा 3 बार बोल करके जो तलाक दिया जाता था उसके कारण उनके उनका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता था। इसका उपाय भी उन्होंने निकाला कि उन्होंने तलाक में जो आवश्यक सुधार करना था या एक्ट में परिवर्तन करना था वो किया और पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं ने उनको आशीर्वाद दिया। जरूरी कानून बनाने के साथ ही विकास का सिलसिला भी आगे बढ़ा। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों को मोदी ने अष्ट देवियों के तौर पर देखा। बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी से लेकर आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने पर काम हुआ। इन राज्यों के विकास को धार देने के लिए डोनर जैसा मंत्रालय बना। आज मणिपुर में जाकर आप देखिए बाकी जगहों पर कैसे एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स की संख्या कितनी बढ़ गई, ट्रेनों की संख्या कितनी बढ़ गई, बॉर्डरिंग इलाके में पुल कितने बड़े पैमाने पर बन रहे हैं और जिस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट सड़कों से लेकर के उद्योग धंधे में हुआ है। अब वो लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि हम तो देश की मुख्यधारा से तेजी से आगे जा रहे हैं। नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, उड़ान, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, देश की प्रगति के लिए पीएम मोदी के बड़े कदमों की निशानी बने। देश को आर्थिक समृद्धि की राह पर ले जाने में लगे मोदी की राह में एक बार फिर से पाकिस्तान ने बड़ी रुकावट डालने की कोशिश की। 14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फिदाइन हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। उरी के बाद यह दूसरा मौका था जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भयावह था। खुद मोदी भी इससे अछूते नहीं थे कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 26 फरवरी 2019 पाकिस्तान और उसकी धरती से अपने जिहादी अड्डे चला रहे आतंकियों को अपनी गलती की सजा मिली। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की। जहां पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का बड़ा अड्डा था, अड्डा तहस नहस हुआ। बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। दुश्मन के घर के अंदर जाकर के
इस प्रकार की कार्रवाई करना जिससे देशवासियों का मनोबल बढ़े, अपने सेनानियों का मनोबल बढ़े, ये अपने तरह का एक पहली इस प्रकार का निर्णय था। एंड इसी का नतीजा है कि आज न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में उसके पड़ोसियों के बीच में बल्कि देश विदेश में भारत की साख मानी जाती है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। मोदी दूसरी दफा पाकिस्तान के सामने भारतीय जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन जल्दी ही उनकी एक और बड़ी परीक्षा होने वाली थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। 23 मई 2019 लोकसभा चुनावों की मतगणना का दिन था। ये अब की बार 300 पार के नारे को हकीकत में बदल दिया बीजेपी ने। पार्टी को 303 सीटें मिली, एनडीए का आंकड़ा 353 सीटों पर जा पहुंचा। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास जिसको बोल सकते हैं वो सब उसमें है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर, और अपने भारत के प्रति अपार प्रेम है, सेवा भाव इतना है। मोदी जी भारत के लिए एक बड़ा देन है। 2014 से ज्यादा बड़ा जन समर्थन हासिल कर नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। दूसरे कार्यकाल में मोदी की रफ्तार तेज होती गई बड़े फैसलों के मामले में। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 ए को संसद में संशोधन विधेयक पास कर अप्रभावी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो इकाइयां बना दी गईं केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। 27 साल पहले एकता यात्रा के दौरान मोदी ने जो संकल्प लिया था पीएम के तौर पर खुद पूरा किया। 3 महीने बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को मोदी खुद अयोध्या पहुंचे राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी का बड़ा संदेश था, समर्थकों के लिए भी विरोधियों के लिए भी। अडिग मोदी की ये बात क्या दुनिया भी समझ रही थी?